हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जनरली पार्ट वन कार्बोहाइड्रेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट पार्ट टू हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट एस स्टार्ट आज का टॉपिक है डायबिटीज मिलाइटेस आपके सिलेबस में डायबिटीज मिलाइटेस की डेफिनेशन उसके टाइप्स टाइप वन टाइप टू साइन एंड सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट है जनरली अगर आप बुक में देखेंगे तो डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग दे रखी है तो एज इट इज आपको मैंशन करनी है अपनी एग्जाम कॉपी में अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डायबिटीज मेलाइटिस इज डिफाइंड एज अ मेटाबोलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल इटियोलॉजी करेक्टराइज बाई क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया विथ डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रिएशन इंसुलिन एक्शन और बोथ तो ये डेफिनेशन है जो डब्ल्यू एच ओ ने दी है अगर मैं बात करूँ नोट्स की तो नोट्स में मैंने सिंपली लिखा आप उसको भी लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच यू डायबिटीज मिलाइटिस इज अ अटाबोलिक डिसऑर्डर ऑफ मल्टीपल इटियोलॉजी करेक्टराइज वाई क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया बस ये दो लाइन अगर आप लिखेंगे डायबिटीज मिलाइटिस की डेफिनेशन में तब भी आपकी वैलिड रहेगी अगर मैं बात करूँ बुक में तो बुक में पूरा उन्होंने डिटेल में बताया जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए मैंने ये नोट्स वाली लर्न करी थी आप इसको लर्न कर सकते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज मिलाइटिस आपको पता है कि कैसे कॉज हो जाता है अगर मैं बात करती तो ये क्रोनिक डिसीज है मतलब कि आपको पता है ना एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है एक्यूट का होता है कि इसमें कम टाइम से आपको डिसीज है क्रोनिक ये ज्यादा टाइम से और ज्यादा टाइम तक ये डिसीज रहेगी इसका सेफ चांसेस या मैनेजमेंट बहुत ही कम है हाइपरग्लाइसिन मतलब कि जो शुगर लेवल है वो आपका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ये एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है मेटाबोलिक डिसऑर्डर में किस में डिफरेंस आता है पेनक्रियाज में और मल्टीपल इटियोलॉजी इटोलॉजी का मतलब होता है कॉजे तो बहुत सारे इसके कॉज हैं जैसे कि पेनक्रियाज में डिस्टर्बेंस हो जाना ग्लाइकोजन स्टोरेज में डिस्टर्बेंस जाना या फ्रक्टोज में तो ये डिपेंड

आप देख रहे होंगे टाइप्स नंबर वन नंबर टू दो अकॉर्डिंग बेसिस पे कर करें सबसे पहले आपका क्लिनिकल स्टेज पे है और दूसरा आपका इटियोलॉजी पे है अगर मैं बात करूं क्लिनिकल क्लिनिकल स्टेज का मतलब है कि डायबिटीज को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रहा है सबसे पहले इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर सर्वाइवल मतलब कि अगर आप जीना चाहते हैं एक सिंपली वर्बर बता रही हूं इसको आप अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर आप सर्वाइव या फिर लाइव रहना चाहते हैं आपको इंसुलिन रिक्वायरमेंट होगी विदाउट इंसुलिन आप नहीं जीवित रह सकते तो ये इस लाइन का मतलब है या फिर ये कह सकते हैं डिवीजन है इंसुलिन रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रोल आपको इंसुलिन किसके लिए चाहिए कंट्रोल करने के लिए आप इंसुलिन पे रिक्वायरमेंट क्या है आपकी सिवो सिर्फ कंट्रोल आप इंसुलिन के फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है नॉन इंसुलिन रिक्वायरमेंट अब आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है आप फार्मा और ड्रग्स की जरूरत नहीं ले रहे हो विदाउट यूज ऑफ इंसुलिन आप अपने वर्क को कर ले रहे हो डायबिटीज को कंट्रोल तो नॉर्मली क्लिनिकल स्टेज में इस रिकॉर्डिंग मैनेज करा होता है सेम एस मैंने नोट्स में सिंपली मेंशन करा है बस आपको करनी होती आपको हो है आपको पता चल होगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम हेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है तो मैंने यही मेंशन करा टाइप्स के बाद सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल स्टेज नंबर वन इंसुलिन रिकॉर्डिंग फॉर सर्वाइवल मतलब की आप इंसुलिन पर पूरे टाइम डिपेंडेंट रहोगे जिसको भी डायबिटीज मिलाइटिस होगी वो पूरे टाइम इंसुलिन पे ही डिपेंड रहेगा नेक्स्ट है इंसुलिन रिकविंग फॉर कंट्रोल जब आपको डायबिटीज कंडीशन मिलेगी जैसे जब आपका बढ़ा मिलेगा हाइपर कंडीशन मिलेगी तब आप इंसुलिन लेंगे वरना आप नहीं लेंगे तो क्या जब जरूरत है तब आप इंसुलिन को ले रहे हैं नेक्स्ट क्या नॉन इंसुलिन रिक्वायरमेंट आप इंसुलिन का यूज ही नहीं करेंगे कोई फार्माकोलॉजी मतलब क्या कोई भी ड्रग या मेडिकेशन का यूज नहीं करेंगे इंसुलिन के लिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट uh, आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी मैं फिर से आपको बुक के थ्रू से एक्सप्लेन कर देते हैं इटोलॉलजी के अकॉर्डिंग आप टाइप देखेंगे तो टाइप वन डायबिटीज मिलाइटिस एंड टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस है टाइप वन डायबिटीज मिलाइटिस में मेन पॉइंट क्या है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल्स का इसमें क्या होता है जो भी पर्सन रहेगा वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट डायबिटीज के तौर पे रहेगा इसमें टाइप वन होता है और टाइप टाइप वन डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर टू फर्दर क्लासिफिकेशन आते हैं टाइप वन इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मिलाइटिस एंड टाइप वन डायबिटीज डायबिटिस आइडियोपैथी की अगर मैं बात करूँ तो उसका मतलब होता है कि कोई मेन कॉज नहीं है मतलब कि जैसे कि मेरे कहने का है कि कोई भी कॉज होता है जैसे डायबिटीज मिलाइटिस है तो उसका एक कॉज है कि उसके बहुत सारे मल्टीपल इट्योलॉजी है कैसे जैसे कि मेटाबोलिक डिसऑर्डर बट आइडियोपैथी का मतलब क्या होता है कि उसका कोई कॉज हमें नहीं पता है टाइप टाइवन में क्या होता है ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बीटा सेल्स से होता है इसमें क्या होता है इंसुलिन पे डिपेंड रहेंगे जब तक आप सर्वाइवल पे रहेंगे और सबसे मेन बात क्या है इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं अब आपको क्लियर होना चाहिए जो टाइप टाइपन होता है उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं जब मैं नोट्स दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइप टू को हम लोग एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं टाइप टू डायबिटीज में लाइटिस आपका डिसऑर्डर है इसमें जनरली क्या होता है कोई रिलेटेड नहीं होता है आपका बट इसमें मेन कॉज आपका क्या रहेगा इंसुलिन के एक्शन से इंसुलिन के सिक्रिशन से और इंसुलिन की डिफिशियंसी से ये आपका टाइप टू में आता है टाइप टू में जनरली आपको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहने को मिलेगा नेक्स्ट अदर टाइप्स में अदर टाइप्स में क्या हो सकता है डिफेक्ट हो सकता है कोई डिजीज प्रोसेस हो सकती है अब आपने बुक से समझ लिया बुक में लैंग्वेज देख ली अब आप नोट्स के थ्रू से एक बार समझ लीजिए नोट्स में सिंप्लीमेशन है अकॉर्डिंग टू टूलॉजी टाइप वन डायबिटीज मिलाइटिस में मैंने टू पॉइंट्स लिखे हैं डिस्ट्रक्शन होगा बीटा सेल्स का इंसुलिन रिक्वायरमेंट होगी सर्वाइवल के लिए ये मेन पॉइंट मैंने लिखे जैसे रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो जाए मैं फिर से आपको एक चीज क्लियर कर दू जैसे बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री को मैंने बुक से पढ़ा था ये छोटे ये थोड़े थे थोड़े नोट से इसलिए बनाते हैं जिनको मैं समझ सकूँ क्योंकि डायबिटीज मिलाइटस आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मिलाइस जब आप सेकंड सेमेस्टर में जब थर्ड सेमेस्टर में सर्जिकल पढ़ेंगे जब आप एडल नर्सिंग पढ़ेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि डायबिटीज डायबिटीट बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डायबिटीज मिलाइटिस में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप वन टाइप वन के भी टू टाइप्स टाइप वन इम्यून मेडिएटेड डायबिटीज मिलाइटिस एंड टाइप वन आइडियोपैथिक डायबिटिस सो टाइप वन इम्यून मीडिए डायबिटिस मिलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो इसके भी मैंने दो पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं बुलेट्स में मैं इसलिए कर प्रेजेंट करने में इजी रहेगा अपने एग्जाम कॉपी में सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है ऑटो ह्यूम्यन डिस्ट्रक्शन बटसोम्यून डिस्ट्रक्शन होने लगता है बिटस है जिसकी वजह से इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है अब आप इसको क्या कहोगे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज और इसमें आप फुल्ली डिपेंड रहोगे इंसुलिन पे नेक्स्ट आपका टाइप वन एंटीओपैथिक डायबिटीज मिलाइटिस इसका मतलब क्या इसका अननोन कॉज है आज तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि ये किस बेसिस या फिर किस कॉज की वजह से हो रही है और सबका कहना है कि ये नॉट रिलेटेड टू ऑटोम्यनिटी है अगर मैं बात करूँ हम लोगों को क्लियर नहीं होते इसलिए हम लोग कंफ्यूजन पे रहते हैं इसीलिए अपना बेसिक क्लियर करते रहिएगा क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पैथोफिजियोलॉजी इजी लगेगी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस टाइप टू डायबिटीज मिलाइटस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी मैंने पॉइंट्स के थ्रू मेंशन कर रखा है जैसे कि इसमें बीटा सेल्स नहीं होंगे बीटा सेल्स नहीं होंगे इसका मतलब इंसुलिन में डिफिकल्टी होगी इंसुलिन में क्या डिफिकल्टी होगी इंसुलिन के में डिफिकल्टी होगी इंसुलिन के एक्शन में डिफिकल्टी होगी और इंसुलिन की डिफिशेंसी से पूरी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा तो ये समझाने का तरीका बट जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन इंसुलिन क्रिएशन डिसऑर्डर इंसुलिन डिफिशियंसी और टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस को आप क्या कहेंगे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज नेक्स्ट आपका था अदर कॉज अदर कॉजेस में हम लोगों ने पढ़ा डिफेक्ट होगा या कोई डिजीज प्रोसेस होगी जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पलेशन में भी करा है फाइब्रो तो इसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि आपका क्या अदर कॉज हो सकता है अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की टाइप वन डायबिटीज मिलाइटिस की तो आपको क्लियर हो गया होगा जब हम लोगों ने इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ा था नेक्स्ट हम डिस्कस करते कॉज टाइप वन डायबिटी मिलाइटिस कॉज है इम्यून डिसऑर्डर क्लियर हो गया नेक्स्ट क्या सिम्टम्स इसमें सिमटम्स थ्री पी वेट लॉस लो स्लो हीलिंग ही अब थ्री पी का मतलब क्या है पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया ये आपको याद कर लेना टाइप वन टाइप टू में मिलेगा पॉलीयूरिया का मतलब क्या है एक्सेसिव यूरिया का सिक्रीशन होगा नेक्स्ट पॉलीफेजिया फेजिया का मतलब होता है हंगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी पॉलीडिप्सिया आपको प्यास ज्यादा लगेगी थर्स्ट आपका ज्यादा होगा नेक्स्ट क्या वेट लॉस होगा जब आपको टाइप वन होगा तो आपका वेट लॉस होगा आप दुबले हो जाओगे लीन बॉडी के हो जाओगे स्लो हीलिंग होगी आपको अगर थोड़ा भी ध्यान होगा फिर क्लिनिकल साइड अगर आपने ध्यान दिया होगा जिसको भी डायबिटीज होती है उनकी वुंड हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती है क्यों क्योंकि जितना भी ब्लीडिंग वर्क होता है या फिर वो सब वर्क आपका इनिबिट हो जाता है फटीक फटीक का मतलब है थकावट आप थके रहोगे क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन आपका वेस्ट रहेगा एक आपको की पॉइंट बताना चाहूंगी डायबिटीज का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सब क्यूटेनियस दिया जाता है अगर आपने क्लिनिकल में दिया होगा तो आपको याद होगा कि आप अंबर कल के दो फिंगर रखने के बाद में सब क्यूटेनियस देते हैं यह एक क्लिनिकल साइड का प्लस पॉइंट है आपका नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या होता है डायबिटीज मिलाइटिस से आपके शरीर को और क्या क्या बीमारी हो सकती है या फिर और क्या क्या परेशानी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज मिलाइटिस होगा तो आपकी हार्ट डिजीजेज होंगी जैसे कि अक्यूट पेन और अंजिना ये माइक्राइडल इन्फेक्शन तो ये आपके हार्ट डिजीजेस किसकी वजह से होंगी डायबिटिस मिलाइटिस हाई ब्लड शुगर ऑफकोर्स ये बात है जब आपका डायबिटीज मिलाइटिस होती है तो आपका ब्लड शुगर कैसा रहेगा हाई रहेगा आपकी ड्राई स्किन रहेगी और स्ट्रोक होगा स्ट्रोक का मतलब क्या होगा ब्लड आपका ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो वो क्या कॉज करता है स्ट्रोक कॉज करता है अभी मैंने एक पॉइंट मिस कर अगर आपने नोटिस तो मैंने मिस करा डायबिटीज रिलेटेड तो कॉम्प्लिकेशन में अगर मैं बता दूं तो डायबिटीज रिलेटेड आपकी चार बीमारियां तो जो आपको complications में लर्न करनी होती है सो so, ये डायबिटीज़ रिलेटेड आपको चार बीमारी होती हैं वो है आपकी रेटिनोपैथी न्यूरोपैथी डर्मोपैथी एंड नेफ्रोपैथी ये तीन पॉइंट आप देख रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटीज में मैंने अभी आपको पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया बताया था ये आपके अंडर में आता है सिम्टम्स के और भी जो कॉम्प्लीकेशन तो है तो में आपके चार कॉम्प्लीकेशनस आते हैं आप जब एग्जाम कॉपी में लिखेंगे तो लिखेंगे डायबिटीज रिलेटेड टू रेटिनोपैथी डायबिटीज रिलेटेड टू न्यूरोपैथी डायबिटीज रिलेटेड टू डर्मोपैथी डायबिटीज रिलेटेड टू नेफ्रोपैथी इसका मतलब क्या है नेफ्रोपैथी का मतलब है नेफ्रॉन किडनी पे अफेक्ट करेगा डर्मो डर्मो मतलब स्किन

Uh, उसको इंसुलिन की जरूरत है तो आप उसको कैसे दे सकते हो इंजेक्शन इंसुलिन के दे सकते हो पेन दे सकते हो पेन का मतलब ये होता है कि एक अगर आपने कभी भी वार्ड में देखा होगा तो एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जनरली जिस तरीके से ये हाइलाइटर है उस तरीके से इसका फिगर होता है बस आपको यहाँ से पीछे से पुश करना होता है और आगे के नीडल से इंसुलिन इंजेक्ट हो जाती है पेशेंट में तो उसको हम लोग पेन मैनेजमेंट भी कहते हैं और पंप जैसे कि आप पंप देखेंगे तो पंप में यूज करते हैं इंसुलिन को इन्हेलर जैसे अस्थमा पेशेंट इन्हेलर यूज करते हैं वैसे इंसुलिन को इनहेल कराते हैं तो अगर आपकी इसकी इमेज ना क्लियर हो

नॉर्मली स्ट्रिप्स आती है स्ट्रिप्स से हम लोग मेजर कर लेते हैं मीटर हम लोगों को डिवाइस बता देता है अगर आपने करा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस अकॉर्डिंग करते हैं नेक्स्ट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पेन वो ब्लैक इंजेक्शन होगा पंप में हम लोग कैथेटर बेली डिलीवर में करते हैं और इनहल जो आपका रैपिड एक्टिंग होता है बस मैनेजमेंट में आपको इतना सा डिस्कस करना है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट डिस्कस करा इंसुलिन जिसमें चार पॉइंट आते हैं इंजेक्शन पेन पंप इनहेल जब आप इसकी इमेज देख लू तो आपको क्लियर हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में दो मेथड आते हैं एक आता है आपका ग्लूकोमीटर मशीन का एक आता है सी मतलब एम मतलब कंटिन्यूस ग्लूको मॉनिटरिंग नेक्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का मतलब होता है कि आपके कितना काउंट है कार्बोहाइड्रेट का आपकी डाइट में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिस से ही आप डायबेटिस होती है तो आपका थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन हाउ मच इंसुलिन टू तो टेक ईटिंग तो टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन टू तो कार्ब रेशियो इज यूटिलाइड मतलब कि इसका कहने का है जितना आप कार्ब ले रहे हो उसी अकॉर्डिंग रेशियो के आपका इंसुलिन बढ़ेगा इसलिए सबसे पहले आप जब भी क्लियर होता है कि आपको डायबिटिस मिलाइटिस जितनी भी चीजें कार्ब वाली है वो आपकी लो कर दी जाती है जैसे कि आलू रोटी तो वो चीज डिफरेंस है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉरी टॉपिक है टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस तो टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉज इसमें दो कॉज है एक लाइफ स्टाइल एक जेनेटिक्स जेनेटिक Genetic का मतलब क्या है एक हेरिडरी मैटर है अगर ट्रांसफर uh, हो रहा है फादर टू फादर मदर से तो चाइल्ड में तो वो परमानेंट रहेगा लाइफ स्टाइल आजकल की सेडिटरी लाइफ स्टाइल की वजह से सिम्टम्स कॉम्प्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप वन टाइप टू के सेम रहेंगे सिम्टम्स में आपको थ्री पी मेंशन बहुत जरूरी है करना वेट लॉस करना फटीक और आपस लो ही लेंगे में जो मैंने बताया था डायबिटिस रिलेटेड आपकी चार डिजीज हो जाती है न्यूरोपैथी डर्मोपैथी नेफ्रोपैथी रेडियोथी वो मेशन करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट आपका क्या मैनेजमेंट डायबिटीज़ टू जो आपकी डायबिटीज में लाइटेस टाइप टू है सॉरी उसको मैनेज करने का या फिर कह सकते हैं ट्रीटमेंट इतना आपके लिए नहीं होता है मतलब कि इसको कोई क्योरिंग नहीं क्रोनिक हो जाता है बट हम लोग मैनेज करते हैं सबसे पहले ब्लड शुगर को तो आपको पता है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए आपका क्या होता है पहले आप सबसे पहले ब्लड ग्लूस आप कैसे मेजर करोगे पहले आप चेक करोगे कि कितना है हाइपर कंडीशन है हाईकोर कंडीशन है तो आपको मीटर की जरूरत होगी तो हम लोग उसको क्या कहते हैं ग्लूकोमीटर ग्लूकोमीटर से कर सकते हो या फिर ग्लोकोज मॉनिटरिंग से भी कर सकते हो वो आप डिपेंड करते हैं कि आप कैसे यूज करते हो ग्लूकोमीटर भी कर सकते हो या फिर कंटिन्यूअस गुल मॉनिटरिंग से कर सकते हो उसके बाद आप ओरल ड्रग्स दोगे या फिर थेरेपी दोगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बताएं जैसे कि बहुत ज्यादा डायबिटीज लाइट होता है तो तुरंत हम लोग मेडिसिन दे देते हैं ओरल तो उसके वो पेरेंट्र रूट होता है या तो हम लोग इंट्रल रूट देते हैं या मतलब कि आईवी दे देंगे दे 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 या फिर सूचना इंजेक्शन दे देंगे दे दे. तो ये आपकी क्या होती है थेरेपी नेक्स्ट क्या ब्लड प्रेशर अगर आपको याद होगा तो आपने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा था कि हाई ब्लड शुगर होगा हार्ट डिजीजे होंगी और ड्राई स्किन होगा स्ट्रोक होगा अगर आपने नोटिस करो तो कॉम्प्लीकेश्स में हार्ट डिजीजेस थी हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कॉज आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर डायबिटीज में वाले पेशेंट्स को अपना ब्लड प्रेशर कैसे रखना है लो रखना है लो कह सकते हैं नॉर्मल कह सकते हैं आप लो के भी बेनिफिट्स इतने नहीं है तो रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी होगी स्मोकिंग को बिल्कुल आपको छोड़ना होगा अवॉइड करना होगा बैलेंस डाइट करनी होगी और डॉक्टर जब एडवाइस करते तो आपको बीटा ब्लॉकर्स लेने बीटा ब्लॉकर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो कि डायबिटीज में को तो थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका आता है आपका मैनेजमेंट में टाइप टू में मिलाइटिस में तो ये एक मेडिकल मैनेजमेंट है मतलब कि इसमें आप मेडिसिन का यूज करते हैं इसमें स्टेटेंस यूज करते हैं डायबिटिस मिलाटेस के लिए हम लोग ज्यादातर स्टेटेंस का ड्रग का यूज करते हैं आप इंजेक्टेबल इंसुलिन यूज करते हैं मतलब इंजेक्शन का कर यूज करेंगे फिर चाहे वो इंजेक्शन हो या फिर पेन में हो फिर इहेलर यूज करेंगे इन्हेल्ड इंसुलिन फिर इंसुलिन के पंप यूज करेंगे तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट सेम एज इट आपकी बुक में भी ऐसे मेंशन कर रखा है बट फर्क इतना बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए इसको मैंने नोट्स नोट आपको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मिलाटेस सबसे पहले अब अगर आपके पास कोई भी केस आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे नंबर वन हिस्ट्री कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन में क्या लेंगे प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री फिर फैमिली की भी लिखेंगे और पेशेंट की इंडिविजुअल भी लिखेंगे नेक्स्ट आप लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन थर्ड पॉइंट आपका आएगा लेबेट्री टेस्ट लेबिट्री टेस्ट में आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे यूरिन यूरिन टेस्ट इसलिए हम लोग कराते हैं कि उसमें पता चल जाता है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं अगर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज यूरिया मतलब की है का प्रेजेंट होना नेक्स्ट है किटो यूरिया मतलब कि यूरिया में किटोन का प्रेजेंट होना नेक्स्ट है सिंपल ब्लड शुगर एस्टिमेशन मतलब कि हम लोग ब्लड ग्लूकोज का चेक कराएंगे जिससे आप क्लियर हो जाएगा डायबिटीज में के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है मेनली आपके सिलेबस में जो जो दे रखा था मैंने उसी अकॉर्डिंग करा सबसे पहले डेफिनेशन थी टाइप वन टाइप टू डायबिटीज में थे कॉम्प्लीकेशन थे सिम्टम्स थे डेफिनेशन थी कॉजे थे मैनेजमेंट था इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के पढ़ाया अगर आपको डायबिटीज लाइटस क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मेन जरूर करिएगा कोई भी डाउट हो डायबिटीज में से रिलेटेड या फिर यूनिट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड तो प्लीज मेशन कमेंट बॉक्स थैंक यू